अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छे से बीती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि चांद रात वाले दिन। तो मैं इफ्तारी कर रही थी, तभी अमानत ने आके बताया कि मम्मा चांद दिख गया, क्योंकि अमानत जल्दी से इफ्तारी करके चांद देखने चली गई। और मेरी आदत है, जब तक मैं चांद खुद से नहीं देखती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अमानत से कहा कि मैं आऊँगी चांद देखने, लेकिन अभी आप नहीं बताना कि वो कहाँ है। तो जैसे मैं लॉन में आई ना, इतना प्यारा सा और इतना क्लियर बड़ा सा चांद था ना, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फ़िलहाल घर पर चांद देखे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पापा के घर आ गए और यहाँ पर मेरे सारे भाई बहन ऊपर छत पे चांद देख रहे थे। तो चांद बेहद खूबसूरत और काफ़ी देर तक टिका हुआ था और यहाँ पर मेरी बहनें थोड़ा सा यादगार के लिए फ़ोटो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा भाई है आहिल और मेरा बेटा अमान है। तो अभी ये क्लिप है ईद वाले दिन की। तो ईद की नमाज़ अदा हो गई मेरी और उसके बाद मैं आगे किचन में, और सुबह के टाइम मैंने नाश्ते में ब्रेड ले लिया था और थोड़ा सा टैंग बना लिया था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। फिर दिल किया कि थोड़ा सा आलू के पराठे बना लूं। तो फ़िलहाल उसके लिए मैंने स्टफिंग रेडी कर दिया था और यहाँ पर मैं सेवई रेडी करने के लिए रख दी थी कढ़ाई, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के डिमांड पर शाही टुकड़ा मैं बनाने जा रही थी। तो मेरा तो मन कर रहा था कि चिकन वगैरह बनाया जाए, बिरयानी, लेकिन बच्चों की डिमांड ही अलग होती है और फिर बच्चों के आगे कोई सुनवाई नहीं रहती, क्योंकि जो उनका दिल करता है ना वही बनाना पड़ता है। और रमज़ान में तो बहुत सारी शिकायतें रहीं अमान की मेरे साथ, इवन अमानत ने भी कहा कि आपने इस रमज़ान कुछ नहीं बनाया। तो जिस दिन भी अमान और अमानत मुझे ज़्यादा फोर्स करते इफ्तारी अच्छी बनाने के लिए, तो मैं कह दी थी कि खुद ही आप लोग बना लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बना लेते हैं। तो बहुत सारे मतलब इफ्तारी जो है अमान अमानत ने खुद बनाया और मुझे काफ़ी ज़रा आराम मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इतने अच्छे से गया ना, बिल्कुल मतलब लगा ही नहीं कि हाँ पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया। और फ़िलहाल बहुत सब कुछ अच्छा रहा और बहुत बरकत रही। और आज आ गई ईद, तो सुबह ही सुबह सब लोग उठ गए थे और बस नाश्ता हो गया था, नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर बस बच्चों के लिए बनाना था और उसके बाद निकलना था पापा के घर। तो आज तो मुझे गाँव वाले घर नहीं जाना था, पहले से डिसाइड था मेरा, और बच्चों का थोड़ा सा डाउट था, वो जा भी सकते थे। तो फ़िलहाल अभी मेरे घर पे यानी पापा के घर पे बहुत सारे लोग मतलब गाँव वाले घर पे गए थे, तो मैंने सोचा सब लोग आ जाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं। तो तकरीबन दोपहर हो गई थी, उसके बाद मैं पापा के घर गई। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत सारे लोग अभी गाँव वाले घर से नहीं आए थे, और फिर जब शाम को सब इकट्ठा हुए तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब ऐसे सब बात करते रहते हैं ना तो कुछ भी रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता है, और आप लोग जानते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो फ़िलहाल रात को मेरी छोटी वाली बुआ भी आ गई, और इतना जल्दी टाइम बीतता ना, जब आप बैठ के बात करते हो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। फिर 10 बज गए और हम लोग को जाना भी था, तो मेरे लिए तो काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि जब भी मैं पापा के घर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 तक वहाँ से वापस आ जाऊँ, क्योंकि मुझे रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन जैसे ही मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पापा फिर से मुझे बिठाल देते हैं और यही कहते हैं इतनी पास में घर, चली जाना अभी। और ये सब करते करते तकरीबन 10 के करीब हो गए, और फिर जब बच्चे बहुत दिनों के बाद आपस में मिलते हैं ना, तो वो भी एक दूसरे से नहीं हटते हैं, और हम लोग भी मतलब काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, क्योंकि लाइफ इतना बिज़ी हो गई है और सब इतना दूर दूर रहते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो सब बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीती और आगे भी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही रहे। तो फ़िलहाल हम 10 के करीब घर आ गए थे, नेक्स्ट डे हुआ फिर पापा के घर चले गए, और इस तरीके से लगातार 2-3 दिन जाते रहे। थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे वीडियो भी अपलोड करना है। और सबसे अच्छा मुझे इस बार ये लगा कि मैंने यहाँ भी ईद का चांद देखा और पापा के घर गए वहाँ भी ईद का चांद देखे। तो हर बार ये होता था कि मैं यहाँ से ईद का चांद देखती थी और फिर इतनी थकावट होती थी ना, मैं जाके यहीं पे बैठ जाती थी, लेकिन इस बार सब छत पे थे और फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अल्लाह ऐसी ईद बार बार लाए और सबके घर में खुशियाँ आएँ।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी बीती होगी। तो रमज़ान ख़त्म हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी खैरियत के साथ बीती, इवन बहुत अच्छी ईद बीती इस बार। तो अभी नॉर्मल डेज़ चल रहे हैं और इस वक्त सुबह का उठने का टाइम मेरा 4 बजे है और पुरानी जो रूटीन थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो रमज़ान की आदतें थी ना वो अभी ख़त्म नहीं हो रही। इवन जब मैं सुबह को कुरान की तिलावत कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने बहुत थोड़ी सी तिलावत की और ऐसा लग रहा था कि 4 बजे बहुत लेट हो गई है। और रमज़ान में कितनी रौनक होती है ना, जब आप सुबह उठते हैं 2 बजे उठें या 3 बजे उठें ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ रात है, बस चारों तरफ रौनक लगती है। तो फिलहाल जैसा जो भी चाहता सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तो अभी आते हैं ब्लॉग में और यहाँ पर ना बर्गर के लिए बड़ी चिक-चिक हो रही थी। अमान कह रहे थे मैं अपना बनाऊँगा, अमानत अपना बनाने के लिए बोल रही थी और यहाँ पर ना अमान ही सॉस रेडी कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मिक्स कर दिए थे। लेकिन अमान थोड़ा सा बहुत चालाक है, मतलब उनको हर चीज़ बहुत अच्छा चाहिए। नखरे तो बाप रे इतने ज़्यादा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और मुझे लगता है ना कि हर लड़के की यही शिकायत होती है और बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं, बेटे थोड़ा सा मतलब बहुत सताते भी हैं, बहुत नखरे भी करते हैं, जल्दी से कुछ पसंद भी नहीं आता है। और बर्गर खाने का अमान का बहुत दिल कर रहा था पूरे रमज़ान इन्होंने मुझसे कहा, लेकिन बस अजीब इत्तेफाक था कि मैंने बनाया ही नहीं आजकल करते करते। लेकिन अभी मैंने जो है डिसाइड किया था कि मैं ईद के दिन ज़रूर बनाऊंगी और इन लोगों से मैंने प्रॉमिस भी किया था। तो यहाँ पर बर्गर भी रेडी हो रहा था, सिमई भी रेडी हो रही थी और यहाँ पे शाही टुकड़ा का जो डिमांड था तो वो भी रेडी हो रहा था। इवन मैंने चारों चूल्हा फंसा के रखा था और इस तरीके से सब कुछ मैं एक साथ करने की कोशिश करी थी। और इस तरीके से जब आप मल्टीटास्क करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब जो है प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे मैं शीरा बनाई पहले सिवई का और उसके बाद मैंने यहाँ पे शाही टुकड़ा का शीरा रेडी किया। बहुत ही सिंपल, मैंने घी डाला उसके बाद इलायची लौंग डाला और चीनी डाला और शीरा यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया। थोड़ा सा ठंडा हो गया था और जब भी ब्रेड को घी में फ्राई करना होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सारा घी अभी ये ब्रेड पी लेगी। और यही रीज़न है कि मैं शाही टुकड़ा बहुत कम बनाती हूँ, एक साल में एक ही बार बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेड ना बहुत ज़्यादा घी को अपने अंदर मतलब एकदम से कढ़ाई में घी ख़त्म ही हो जाता है। तो घी का कोई टेंशन नहीं क्योंकि घी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही बनाती हूँ और खोया भी मैंने जो है घर में ही रेडी किया। तो लेकिन इतना सारा जब घी पेट में जाता है ना तो प्रॉब्लम उसकी हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एक दो लेयर लगा के बनाऊँगी, जैसे मैं सिवई बनाऊँगी वैसे यहाँ पे शाही टुकड़ा भी बनाऊँगी। और ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, इवन मुझे देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज सिवई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और अभी यहाँ पे मैंने जो है ना सबसे लास्ट में ड्राई फ्रूट्स की लेयर डाली, बीच में भी थोड़ा सा डाला था। अच्छा पकाते टाइम ना मैं कभी भी ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं मिक्स करती हूँ, इवन सिंपली मैं बनाती हूँ और जब इस तरीके से मैं लेयर बनाती हूँ तब जो है ड्राई फ्रूट्स अच्छे से अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर एक लेयर आपकी सिवई की होती है, फिर एक खोए की होती है, फिर ड्राई फ्रूट्स की होती है। तो इस तरीके से मुझे ज़्यादा ईजी भी लगता है और ज़्यादा खाने में भी अच्छा लगता है। तो दोनों ही चीज़ बहुत अच्छा बना था लेकिन सिमई ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो खैर बस यही 2-3 चीज़ें मैंने बनाई थी, बच्चों की डिमांड थी कि मैं उनके लिए ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊं, लेकिन उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी कि बाद में मैं बना दूंगी। और सुबह ही मैंने इनको ब्रेड दे दिया था नाश्ते में। और उसके बाद जो है मैंने आलू का पराठा बहुत अच्छा बना था आज, और बहुत ही ज़्यादा मैंने स्टफिंग डाल के 2-2, 3-3 पराठे सबको बना के दे दिए, सब ने बहुत अच्छे से खाए। और इतना काफ़ी था ना, क्योंकि आप जब रमज़ान के बाद फ्री होते हो तो ईद वाले दिन ऐसा लगता है कि कुछ काम ना हो और सिर्फ इंजॉय करो और सिर्फ घूमो और सबसे मिलो और सब मतलब कुछ पकाने का मेरा मन वाकई नहीं करता है। लेकिन कुछ पकाते भी नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि मुझे पापा के घर जाना होता है तो वहाँ सब कुछ पका ही रहता है, वहीं पर खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर बच्चों की डिमांड पे सब कुछ रेडी हो रहा था लेकिन मेरा अंदर से मन कर रहा था बिरयानी खाने का। और जब मैं पापा के घर गई तो वहाँ पर बिरयानी बन के रखी हुई थी, मेरी बहन ने बहुत ही टेस्टी बिरयानी बना के रखा था। तो मेरी सारी बहनें बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं माशाल्लाह, और बहुत स्पाइसी नसीमा ने बना के
बिरयानी रखी थी उसको मैंने खाया, और शाम की थोड़ी सी क्लिप है यहाँ पे, फवाज फायज़ा इंजॉय कर रहे थे और अभी यहाँ पर अली हसन और जहांगीर भी थे, यानी मेरे भाई के बच्चे भी यहाँ पर थे, अभी वो लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। और ये है ईद के तीसरे दिन यानी कि आज की वीडियो, और यहाँ पर अभी फवाज और फायज़ा आए हुए थे और साथ में आहिल भी थे। और जैसे ये लोग आते हैं ना इतनी मस्ती करते हैं, धड़ाम धड़ूम, इतना ज़्यादा शोर शराबा। तो फायज़ा की खूब पिटाई होती है फवाज से, और उसके बावजूद भी फायज़ा हंसती रहती हैं और गिरा दी जाती फिर भी उठ के खड़ी हो जाती। तो खैर आज माशाल्लाह फायज़ा बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी लग रही थी, क्योंकि इन्होंने लड़कियों वाला कपड़ा पहन के रखा था, ज़्यादातर लोअर टी शर्ट में होती, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी लग रही थी। तो खैर खूब सारी यहाँ पर बच्चों की मस्ती हुई, और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।